इयाक नाबुदु व इयाक नस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज पहले तो खुश हूं कि मेरे ऊपर से बैन उठा बोलने का। कोई पता नहीं मैंने क्या बात कर दी थी कि जिसकी वजह से ये महसूस किया गया कि मैं मुल्क के लिए खतरा बन गया हूं, इसलिए मुझे ऑफ एयर कर दिया जाए। ना मैंने इदारे का नाम लिया, ना मैंने किसी ऑफिसर का नाम लिया, लेकिन मैं बैन हो गया, बल्कि बगावत का पर्चा भी कट गया। तो मैं आज आपसे दो तीन मौजू पे बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कल किया गया तहरीक इंसाफ के लोगों से, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, प्रेसिडेंट 30 अप्रैल की डेट अनाउंस कर देते हैं। हम अपनी रैली की, जो इलेक्शन की रैली लॉन्च है, उसकी हम कल फैसला करते हैं, परसों अनाउंस कर देते हैं कि हम अपनी रैली करने लगे हैं इलेक्शन के लिए, जिसकी डेट अनाउंस हो गई है। पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले, पुलिस बकायदा सारी जो रूट है रैली की वो अप्रूव करती है। पुलिस के साथ बैठ के तय होता है कि ये हमारी रूट होगी रैली की। अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं, हमारी रैलीज आ रही होती हैं, जिधर मिलके मैंने ये जमान पाक से निकलना था, एकदम पता चलता है सुबह बैन 144 लग जाता है, यानी रैलीज की इजाज़त एक वापस ले ली जाती है। रास्ते में कंटेनर्स लग जाते हैं, पुलिस की कंटेंजेंट्स आ जाती है, हर जगह पुलिस खड़ी हो जाती है। और फिर चले हम, अब वो वर्कर्स को, किसी को तो सुबह पता नहीं था, वो तो रात से प्लान हुआ होता रैलीज। अब जब वो आ रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है कि ये नहीं कि वर्कर्स इनसे कुछ नहीं कर रहे, किसी हमारे कभी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती हैं कि पुलिस के साथ कोई फसाद में पड़ो। वर्कर्स वहां आके खड़े हो जाते हैं, जान के वर्कर्स के ऊपर वाटर कैनन्स, वो पुरामन लोग खड़े हुए हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन्स चलनी शुरू हो जाती हैं, जो पुलिस उनके ऊपर चार्ज कर देती है डंडों से। उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लोग आएंगे रैलीज़ के लिए, हम यहाँ जाने की इंतज़ार कर रहे हैं, और एकदम ये खबरें आनी शुरू हो जाती है, उधर रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि पैमरा फिर एक्शन में आ जाती है, और पैमरा फैसला करती है कि पीटीआई की ये दिखाना ही नहीं सब कुछ, तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलता है मुझे यहां बैठे कि हो क्या रहा है, और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये क्या साजिश चल रही है। साजिश क्या है, जरा सारी कौम समझ जाए कि साजिश क्या है। वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम, जो झूठ बोल के यहां से बाहर भागा हुआ है और दूसरी दफा भगौड़ा बना है, पहले ये मुशर्रफ के दौर में साइन करके गया था कि मैं 10 साल नहीं आऊँगा, और झूठ बोलता रहा कि मेरा कोई अग्रीमेंट नहीं, वो फिर से सेहत के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है। वहाँ से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की, मेरी कोई यहां से चोरी करके प्रॉपर्टीज बाहर नहीं, मैं तो बाहर हलाल की कमाई का पैसा प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ पाकिस्तान लेके आया हूं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पूरी उसकी मनी ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, एक एक पाए का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया, मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी बनीगाला में, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। ये जो वहां बैठ के नवाज शरीफ लंदन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, यहां से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके में प्रॉपर्टीज लेता है, इसका बेटा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में एक जगह पर रह रहा है, इनका रहन सहन की गाड़ियां सारा यहां का पैसा है, और एक रसीद नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल में डालो।
और लगता ये है कि अग्रीमेंट जो उसने की हुई है वो अग्रीमेंट के ऊपर अमल हो रहा है कि इमरान खान को आपने कैंपेन ही करनी चाहिए, इसको जेल में डालना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था इसको पता था, जो वो तस्नीम हैदर जो लंदन में बैठ के उसने बरतानिया की पुलिस में रिपोर्ट दी है कि इसने कहा था कि इमरान खान का और अरशद शरीफ का कत्ल होना चाहिए, और वो वकील जो जो जिसने रिप्रेजेंट किया था वो कंफर्म करता है कि इसके सामने इसने कत्ल की बात की थी, और यहाँ बैठे हुए थे लोग जिन्होंने इनके साथ मिलके ये मेरे ऊपर कत्लेआना हमला किया था, जिसमें शहबाज शरीफ है और जिसमें मैं बता चुका हूँ शहबाज शरीफ और दूसरा ये जो राणा सनाउल्ला, ये सब कातिल है, और फिर डर्टी हैरी। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या ये मुल्क चल रहा है उस आदमी के कहने पे, मनी लॉन्डरर, मुजरिम, सजा याफ्ता, झूठ के ऊपर भागा हुआ, कि इमरान खान को आपने कैंपेन नहीं करने देनी। तो ये पहला कदम था उसका। जब मुझे साजिश की समझ आ गई कि ये हमें उकसा रहे हैं, फौरी तौर पे मैंने, क्योंकि मुझे टीवी पे तो बैन किया हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे कहा कि हम सारे कारकुनों को कहा कि अब आप वापस चले जाएं। हमने रैली कैंसिल कर दी। क्यों रैली कैंसिल की? क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये आप तसादुम चाहते हैं, और इस ये मेरे ऊपर डालना था कि इमरान खान ने ये सारा कुछ करवा दिया, तो मैंने रैली कैंसिल कर दी। लेकिन मुझे तब तक पूरी तरह इल्म नहीं था कि हुआ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता हमें खबरें आनी शुरू हुई कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये 30-40 सेकंड की ये हमने एक वीडियो बनाई है, आप ज़रा देखें कि ये लग रहा है कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कुछ किया है। ये ज़रा देखें कि वहाँ इन्होंने पुलिस ने किस बेदर्दी से जो किया, ये देखें प्लीज़। ये जो आपने मनाजिर देखे ये मकबूज़ा कश्मीर के नहीं, ये पाकिस्तान के हैं, ये अपने लोगों के ऊपर हो रहा है। दर्जनों गाड़ियां तोड़ी, वो जो ख़ास तौर पे तकलीफ दे चीज़ सब पाकिस्तानियों के लिए है कि वहाँ औरतें बैठी हुई हैं गाड़ी में, उनके सामने वो उनकी हालत देखें कि कोई भी शरीफ लोग जा रहे हैं और उनके आप पुलिस हमला कर रही है और डंडे मार के शीशे तोड़ रही है, उनके हाल देखें। ये कोई लड़ने नहीं आए थे लोग, ये पुरमन रैली में शिरकत करने आए थे। और उसके बाद जो इन्होंने ज़िले शाह जो अली बिलाल से किया, मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रात, फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन वो एक दीवाना था। तो उसको सोचें कि जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, झूठ बोला गया कि नहीं जी ये तो कोई पुरानी, जब उसको उठा के पुलिस लेके जा रही थी, आई विटनेसेस सामने हैं, सबको पता क्या हुआ, उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी। एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता है, कौन, जुर्म क्या था इसका? और वो जो जिले शाह था, यहां सारी शाह मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, सारे लोग उसको पसंद करते थे,
वो एक ऐसा इंसान था, यानी वो किसी का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाज़ें आती थी उसकी बाहर से, इमरान खान को वो आवाज़ें दे रहा होता था, और मुझे अफसोस ये है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का, मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दे चीज़ यह है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया, और फिर 302 यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पे डाल दिया है, 2 और मुकदमे डाल दिए हैं मेरे, अब तकरीबन 78 केसेस हो गए मेरे ऊपर, इसका कत्ल का भी डाल दिया। ये है पाकिस्तान में इस वक्त हालात। मुजरमों ने मुल्क को संभाला हुआ है, कातिल, चोर, मनी लॉन्डरर्स, डाकू, झूठ बोलने वाले, सारा पैसा बाहर पड़ा इनका, पाकिस्तान में इनको कुछ, पाकिस्तान तो लूटने आते हैं ये, इलाज इनके बाहर, सर्जरीज इनकी बाहर, ईदें इनकी, शॉपिंग इनके बाहर, बिजनेसेस इनकी बाहर, ये सिर्फ मुल्क लूटने के लिए आते हैं। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, इन्होंने आके मुल्क से वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता, 100 रुपया सिर्फ 10 महीने के अंदर डॉलर रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अभी महंगाई की जो लहर आएगी, जो लोगों में गुर्बत की लकीर के नीचे जाएंगे, जो एस्टिमेट किया जाता है कि करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनके तो डॉलर्स में पैसे इजाफा हो गया। ये लोग आज ये हरकतें कर रहे हैं, किसी तरह इमरान खान को बंद किया जाए, आवाज़ बंद, उसको कत्ल करो, मारो, जेल में डालो। कल का ये जो सारा हुआ, ये हमें जब साजिश की समझ आई, जब मैंने ख़त्म किया, साजिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह इलेक्शन कैंपेन ना करने दो और इमरान खान को किसी तरह जेल में डालो। रात को यहाँ सारे इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, ज़बान पा के यहाँ इन्होंने सारा बिजली काट दी, ज़बान पा की अंधेरा कर दिया, यहाँ पूरी तैयारी ऑपरेशन की हो गई। इमरान खान को यहाँ से उठा के बलूचिस्तान लेके जाना था, 2.5 महीने उसको जेल में रखना था, तब तक हमारी पार्टी को क्रश करना था, और जो बोलने वाले हैं उनको, उनके सजाएँ देनी थी, उनको भी जेलों में डालना था, और उसके बाद कंट्रोल्ड इलेक्शन करवा के तो फिर इन चोरों को मुसलत कर देना था, ये था प्लान। और क्योंकि मुझे लगता है इसलिए कि इतना शोर मच गया सोशल मीडिया पे, कि जिस तरह बेदर्दी से इन्होंने उसको शहीद किया, ज़िले शाह को, उसकी वजह से इन्होंने प्लान नहीं किया। मुझे पूरी उम्मीद है ये आज आएंगे या कल आएंगे, उठाना इन्होंने है ये। मैं आज कौम को सारों बता दूँ कि इनके प्लान के अंदर वो जो लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा है, उसके प्लान के ऊपर उसने कोई एग्रीमेंट की हुई है, उस पर चल रहा है पाकिस्तान। तो इमरान खान को जेल डाल रहे हैं इन्होंने। खैर, हम मैं तैयार हूँ उसके लिए, जेल के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता कि देखें, ये जो कल हुआ है, ये आपके सामने क्या हुआ? इन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है कि एक पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन की रैली कर रही है, लॉन्च कर रही है, उसके ऊपर कौन दुनिया में ऐसे कर सकता है? और कौन से ऑफिसर्स करते हैं? वो ऑफिसर्स जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया था। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि जो 23 या 24 ऑफिसर्स हैं, इनको यहाँ पोस्ट ना करो। हज़ारों ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको वापस हमारे ऊपर पोस्ट कर दिया, और उन्होंने ये, वो सारे जुल्म के पीछे थे। और केयरटेकर का मतलब न्यूट्रल होता है, मैं बार बार अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, न्यूट्रल केयरटेकर होता है, मतलब गैर जानबदार होता है। ये गैर जानबदार हैं जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडा पे आए हैं कि क्रश करनी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। और मैं फिर से अभी इलेक्शन कमीशन को, अभी मैं बाद में बात करूँगा इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन अभी कहता हूँ कि देखें, ये आपके ऊपर सारा पड़ रहा है। आप कैसे एक इस तरह का केयरटेकर सेटअप ले आते हैं दोनों जगह पर, केपी में और इधर, जो हमारे मुखालिफ को ऊपर बैठा देते हैं? यानी कोई तो एक इंसान में अखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, कोई फेयरनेस होती है, कोई इंसाफ के अंदर कोई थोड़ा सा सोच होती है। ये कैसे कर सकते हैं किसी पर?
कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बढ़ा दिया जो जैसे कसम खाई हुई है कि किसी ना किसी तरह उसने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करनी है, वो ऑफिसर सारे वो बढ़ा दिए हैं। और फिर अब एक और काम होने लगा, अब इन्होंने फैसला किया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इलेक्शन करवाएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स वो नहीं होंगे जो कि अदलिया से लिए जाएंगे बल्कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। अब ये ब्यूरोक्रेसी का तो हाल देख लिया आपने, क्या इसी ब्यूरोक्रेसी और ये जो चीफ मिनिस्टर ये रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा? तो यहाँ से पहले ही नज़र आ गया कि यहाँ इलेक्शन में इन्होंने जिस तरह की धांधली का प्लान बना हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को अभी भी ये है कि रिक्वेस्ट करें कि अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स आएँ, क्योंकि यहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं है, ये जो लोग हैं इनसे तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जब केयर टेकर ये ब्यूरोक्रेट्स लेके आएगा तो इनका तो एजेंडा वाज़े है। मैं दूसरी बात अब करना चाहता हूँ, मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है, सारी कौम ने आपके ऊपर उम्मीद लगाई हुई है। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्ज़ा हुआ हुआ है इन मुजरमों का और जो लोग इनको बैक कर रहे हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब इन्होंने तो सारा अपना वाज़े कर दिया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, हर रोज़ कत्ल हो रहा है। ये जो केयर टेकर बनाई है इसी से ही समझ आए कि जमहूरियत क्या होगी, वही बताएं जो कल एक इलेक्शन रैली के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया है। तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारे मिल के कर क्या रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन के साथ खड़े हों, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें। उम्मीद सिर्फ अब आप पे है, और मुझे पता है कि आपको पूरा तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो माफिया है, माफिया करता क्या, ये जो जिसको सिसिलियन माफिया कहा था, ये कौन है? या ये लोगों को ख़रीदते हैं या ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, उनके ऊपर टेप्स बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर किस्म के उनके ऊपर गंद उछालते हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करते हैं अपने फैसले लेने के लिए। ये वो लोग हैं जो टेलीफोन करके तो फैसले करवाते हैं जजेस से, ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे से अटैक करके सुप्रीम कोर्ट को एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवाया और फिर रिश्वत चलाई, बाकी जजेस खरीदे। मैं सुप्रीम कोर्ट को आज अपने सारे जजेस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने आइन के साथ खड़े होना और जमहूरियत के साथ खड़े होना, क्योंकि अगर इस वक्त जो इनकी कोशिशें हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे, ये कत्ल करवाएंगे लोगों को, ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे, धमाके करवाएंगे सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए। ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं हैं, तो पता नहीं क्या सेंसस हो गया तो ये हो गया, ये हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकलने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में इनकी मौत है। इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम इनसे मुतनफ़िर हो चुकी है, वो इनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। सारे बाय इलेक्शन में वाज़े हो गया कि ये धांधली के बावजूद, सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं जीत सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे खौफ ये है कि ये किसी ना किसी तरह ये माफिया अदलिया के अंदर फूट डाल के उसको तकसीम करके ये कोशिश करेंगे इलेक्शन से निकलने के लिए। मैं इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी यूनिटी की ज़रूरत है, आप मुत्तहिद हो के पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हो। 5 के 5 जजेस ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अब पख्तूनख्वा में देख लें, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शंस डिले करने के चक्कर में, अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और जबकि सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो टाइम था इलेक्शन करवाने का वो कम होता जा, आगे हम आगे निकल गए। 30 अप्रैल जाना भी गलत था, क्योंकि आइन तो इजाज़त नहीं देता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जान के सेबोटाज करने की कोशिश की, 30 अप्रैल देनी पड़ी। तो ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए
मैं अपनी अदलिया के साथ अदलिया को सिर्फ कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ, कौम आपके साथ खड़ी है। कौम वो और हम वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं, आपसे जो इस मुल्क का आइन है उसकी दिफा चाहते हैं। ये जो माफिया है, ये जब जब फैसला इनके खिलाफ आता है ये अटैक कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और जब फैसला साथ आता है तारीफें शुरू कर देते हैं प्रेशराइज करके। मैं आपको सिर्फ आखिर में रिमाइंड करवा दूं कि जब जो धांधली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2015 में, वो हमारे ख़िलाफ़ किया, हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। एक दफ़ा बताएं कि मैंने उसकी कोई तनकीद की हो, हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब मैंने अपनी असम्बलीज डिसॉल्व की अप्रैल के अंदर, पिछली अप्रैल में मैंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, सारा फैस जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही थी वो सारी हो रही थी कि इलेक्शंस में अब चले जाएं, और वो चले जाते मुल्क बच जाता इस अजाब से। लेकिन इलेक्शन कमीशनर ने वहाँ कहा जी मैं 3 महीने में इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, और वो फैसला हमारे खिलाफ चला गया। बड़ी तकलीफ़ हुई हमें। एक दफ़ा बताएं कि मैंने तनकीद की हो उसकी, लेकिन ये हर फैसला जो इनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर ये ब्लैकमेल करते हैं, नाम ले लेके जजेस के खिलाफ बात करते हैं। और इसलिए ज़रूरत है सारे मुल्क को कि अगर हमने अब आगे जाना है, और इसकी मुल्क की बचत ही रूल ऑफ लॉ में है। मुल्क बचेगा तब जब कानून की हुक्मरानी होगी, वो उसको उसकी दफा करनी है सुप्रीम कोर्ट ने। और हम सिर्फ आपसे अपील कर सकते हैं कि ये आपको हर प्रेशर डालेंगे, हर वो नामालूम अफराद से प्रेशर आएगा, इन चोरों से आएगा, ये रिश्वत भी ये ख़रीदते भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम सारी आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सब ने कहा था आइन के अंदर 90 दिन में इलेक्शंस, उसको उसके साथ आपको पूरी तरह खड़ा होना चाहिए। अब मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप तीसरी बात करना चाहता हूँ। देखिए इलेक्शन कमीशन, मुझे जितनी तकलीफ़ इलेक्शन कमीशन से है किसी को नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर आपने एलिगेशन लगाई तोशाखाना की, मैं आज राइटिंग में देता हूँ सबके सामने, जिस वक्त ये अदालत में जाएगी ये तोशाखाना केस बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं की। जो 70 साल से पाकिस्तान का कानून है उसके ऊपर चलाऊँ, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, सारा कुछ सारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये तोशाखाना क्यों ये छुप रहे हैं, बता नहीं रहे कि जी बाकी लोगों के तोशाखाना में क्या उनकी थी, जिस वक्त वो सामने आएगा कौम को पता चलेगा कि तोशाखाना में बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी हुक्म जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो प्रेसिडेंट्स थे, जो आर्मी चीफ्स थे, ये क्या करते रहे तोशाखाना की गिफ्ट से। वो इंशाल्लाह अगर ये पूरा केस खुले ताकि पता तो चले लोगों को तोशाखाना क्या है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि मेरे ऊपर इन्होंने किरदार के ऊपर इन्होंने ये जो उठाया इलेक्शन कमीशन ने। और फिर फॉरेन फंडिंग, ये भी हमें घसीटा है मीडिया ट्रायल के थ्रू, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, अब पता चले प्रोहिबिटिव फंडिंग है। लेकिन अगर आपने ये करना ही था, हमारे केसेस सबके सामने हैं, बुक्स सारी कौम के सामने हैं, लेकिन इन दो पार्टीज़ की क्यों नहीं सामने लेके आ रहे, ताकि पता तो चले कि इन्होंने फंडिंग किधर से करते हैं। तो मुझे तकलीफ़ इसकी है, लेकिन मुल्क की खातिर, जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपने कातिलों को जिन्होंने कत्ल करने को उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को भी सब कुछ जो मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ और हमारी पार्टी को उसको भी माफ़ कर देते। लेकिन इस वक्त कौम की ज़रूरत है, अगर हमने इस मुल्क को दलदल से निकालना है, इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हुआ या इंतशार होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ इस इलेक्शन को सही तरह ना करवाया गया और इसमें जो जिस तरह की धांधली प्लान की जा रही है, ये जो केयर टेकर ही है यही धांधली है, क्योंकि केयर टेकर तो होता है गैर जानबदार, ये तो बिल्कुल दुश्मनों को ऊपर बिठा दिया है, तो ये ही धांधली है। और उसके बाद जो भी कदम है, जो प्लानिंग हो रही है, मेरी सिर्फ आपको अपनी कौम की तरफ से कि आपको इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहिए, और किसी सूरत इन पहले ये जो गलत केयर टेकर अपॉइंट किए इनके ज़रिए रिटर्निंग ऑफिसर्स इनकी ब्यूरोक्रेसी पर नहीं बल्कि
जुडिशरी से मांगनी चाहिए, जो अदलिया से हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। और फिर आखिर में मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, ये जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सब समझ जाएं कि हम अगर इस ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये जो नाइंसाफियाँ हैं, ये जिस तरह के ऊपर चोर मुसलत कर दिए गए हैं और फिर इनको ऊपर बिठाने के लिए हर किस्म की कोशिश हो रही है, डराना, धमकाना, FIRs मारना, ये जो आपके साथ, जब तक कौम इसके साथ इसका मुकाबला नहीं करेगी, अगर कौम इस इन जालिमों के सामने सर झुका गई और हमने खौफ की वजह से इनके सामने स्टैंड ना लिया, तो आगे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि अगर आप चोरों को किसी भी कौम के ऊपर बैठा देंगे, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज जो दुनिया में गरीब मुल्क हैं, एक एक, मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, एक एक मुल्क देख लें आप, उनकी गुर्बत आपके आखिर में वो लोग कहेंगे जी जो हुक्मरान बैठे हैं वो पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। लेबनान है सबसे ज़्यादा, लेबनान जो था वो, अब दुबई लोग जाते हैं ना, तो हम जब बड़े हो रहे थे सब बेरूत और लेबनान जाते थे। आज लेबनान का दिवालिया निकल गया, लोगों से पूछें, उनके ऊपर करप्ट लोग बैठ गए आके, वो कहते हैं करप्शन में मसला था। नाइजीरिया सबसे ज़्यादा तेल है अफ्रीका के अंदर, तेल के ज़खीरे पे बैठा है, गुर्बत की इंतहा है, वहाँ ऊपर पैसे चोरी करके नाइजीरिया की दौलत मुल्क से बाहर जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है। तो मैं कौम को कहता हूँ कि ये लोग रह गए जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, आपका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। तो पहले तो मैं अपनी वकला कम्युनिटी को कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान की वकला बरादरी के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना, ये जो आइन की धज्जियाँ उड़ाना, ये जो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करना कि किसी तरह इलेक्शन से निकल जाओ, ये वक्त है कि जो वकला, सारे वकला को अपने सियासी इख्तलाफात दूर करके सबको इकट्ठा होना चाहिए कानून की हुक्मरानी के लिए। आपने तारीख, पाकिस्तान की तारीख बदली थी जब वकला कम्युनिटी सारी खड़ी हो गई चीफ जस्टिस की बहाली में, जिसमें मैंने भी शिरकत की। मैं जेल में भी गया, पहली दफ़ा मैं जेल, और एक ही दफ़ा जेल में गया हूँ, तब दूसरी की तैयारी कर रहा हूँ अभी, तो मैं जेल में भी गया सिर्फ अपनी एक आज़ाद अदलिया के लिए और एक रूल ऑफ लॉ के लिए, और हमने, हमारी पार्टी छोटी सी थी, पूरी तरह शिरकत की। तो मुझे तब याद है कि जब वकला की मैंने जज्बा देखा, इनका जो इनकी दिलेरी मैंने देखी, और जो कमिटमेंट थी रूल ऑफ लॉ के लिए, मैंने वो अपनी आंखों के से देखी है। अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भी वकला के अंदर माफिया आ गया है, और वकला के अंदर माफिया तकसीम करके बैठा है, और वो इन चोरों के साथ खड़ा है। तो मैं आप सबको अपील करता हूँ कि ये टाइम आ गया है कि आपने हर तैयारी करनी है, आपने किसी सूरत इस टाइम के ऊपर अपनी अदलिया को नहीं छोड़ना, अपनी अदलिया को तनहा नहीं छोड़ना, आपने जो जुल्म हो रहे हैं आपने इंसाफ के लिए खड़ा होना है। आपको अगर सड़कों पर निकलना पड़े आपको निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अब जद्दोजहद नहीं करेंगे हम इनको शिकस्त नहीं दे सकेंगे। और आखिर में मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अपनी यूथ को, हमारी माशाल्लाह 65% आबादी हमारी 30 साल की उम्र से कम है, मुस्तकबिल आपका है। 8 लाख पिछले साल हमारे नौजवान, जब से ये चोर ऊपर मुसलत किए गए हैं, मुल्क से छोड़ के चले गए, उम्मीद खो बैठे हैं पाकिस्तान से। देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा टाइम बाहर गुजारा है, मैं आपको एक आध चीज़ बता दूँ कि देखें बाहर जाके आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं आपकी, आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, आप कंफर्टेबल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अपना घर है उसका कोई मुतबादल नहीं है, आप हमेशा वहाँ पराए समझे जाएंगे, आपको सारा वक्त, जो वो 3-4 जनरेशन्स भी वहाँ पैदा हो गई हैं उनको सारा वक्त एक धमाका होता है, उनको साबित करना पड़ता है कि जी हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं, और हम बड़े अच्छे शहरी हैं आपके मुल्क के जिधर भी वो रह रहे हैं।
क्योंकि वो आपका मुल्क नहीं है। हाँ, कई अपना रहते हैं, एडजस्ट भी कर जाते हैं, कईयों को ज़िंदगी का मकसद ही होता है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें, गाड़ी अच्छी हो, घर अच्छा हो, तनख्वाह अच्छी हो, तो स्कूल में बच्चे अच्छे चले जाएँ, बस उनका मकसद ही ज़िंदगी का ये होता है। लेकिन जिनका इससे बड़ा मकसद होता है कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद से दुनिया में भेजा है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह हमें ज़्यादा पढ़ा लिखा देता है तो हमारी ज़िम्मेदारी है माशरे को, और सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ कायम करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी, फिर उरूज आया था, फिर उनकी उन्होंने एक जमहूरियत कायम की थी। जमहूरियत का मतलब रूल ऑफ, जमहूरियत रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं बन सकती। उन्होंने बादशाहत पे नहीं मुसलमान खड़े हुए थे, और वो जो फाउंडेशन रखी थी मदीना की रियासत में, उन्होंने दुनिया की इमामत की थी। और अल्लाह हमें बार बार हुक्म करता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी शरिया पे चलो। तो हम, मैं सबको आज आपको अपील कर रहा हूँ कि हमारा मसला ये है कि यहाँ इंसाफ नहीं है, और ये जो चोर ऊपर बैठ गए और NRO ले गए हैं, इसका मतलब इंसाफ नहीं है। जब एक ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, इसका मतलब जंगल का कानून आ गया। जंगल के अंदर शेर के लिए एक कानून और बेचारा हिरन के लिए दूसरा है। तो हमें पाकिस्तान को एक वो जो इस्लामी रियासत जो बड़ी ख्वाब के नाम पे बनी थी, उसकी बुनियाद इंसाफ है। और इंसाफ के लिए जब आप खड़े होते हैं, इसको जहाद कहते हैं। और जब और इंसाफ तो कमज़ोर चाहता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहता है। तो जब ताकतवर के सामने खड़े होते हैं, ये होती है इंसाफ की जंग, जहाद। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, उनकी पहली जब वो खलीफा बने तो पहली चीज़ उन्होंने क्या की कि मैं ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊँगा, इंसाफ कायम करूँगा। हमारा मसला ही नाइंसाफ़ी है, और इसके लिए जो ज़ालिम हैं, ये जो सब मिले हुए हैं, ये जो सारे इनके सहूलतकार और ये जो मनी लॉन्डरर्स और जो डाकू सब इकट्ठे हुए हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि यह इंसाफ ना आने दो। इमरान खान को मेरी क्या लड़ाई है उनसे, लड़ाई ये है कि ये वो चीज़ कह रहा है कि इस मुल्क में अगर इंसाफ आया तो जो हम यहाँ याशियाँ करते हैं, पैसा चोरी करके बाहर, बड़े बड़े घर, कानून से हम ऊपर, ये उससे डरे हुए हैं। हर आदमी जो इंसाफ से डरता है, हर आदमी जो चाहता है कि हमारी स्पेशल प्रिविलेज हो, वो हर आदमी इस वक्त एक तरफ खड़ा हो गया है और कोशिश कर रहा है। उनको इमरान खान नज़र आ रहा है कि किसी तरह इसको तो फारग करो। देखिए, मुझे ना, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था 26 साल पहले, मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह मेहमान आ चुका था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ चुका था कि अल्लाह ने फैसला करना जब दुनिया से जाना है। एहतियात करता हूँ, एहतियात इसलिए करता हूँ कि ये जो मेरे दुश्मन हैं, ये बड़े, जितने खौफ ज़्यादा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है, एहतियात करता हूँ। जेल में क्या फ़र्क पड़ेगा, जेल में चला जाऊँ, किताबें पढ़ लूँगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी, इनको ये, इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, और ये जो लोग हैं इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो। तो इसके ऊपर मेरी जान भी ख़तरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहना है। ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है। अगर ये हम कामयाब हो जाते हैं इस टाइम पे, ये मुल्क बदल जाएगा। जो मैं नया पाकिस्तान की बात करता हूँ, वो नया पाकिस्तान आ जाएगा आपका, उस रास्ते पे हम निकल जाएंगे। लेकिन जुल्म के निज़ाम पे कभी भी कोई माशरा ऊपर नहीं जा सकता। कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, हज़रत अली का कौल है। ये निज़ाम कभी भी नहीं चलेगा, और आपके सामने जिधर हम गिर चुके हैं, आपको पता है कि क्यों है, कि जब आप उन चोरों को NRO दे दें और बेचारा गरीब आदमी जेलों में रहे तो उस कौम की तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए
जो भी मुझे पकड़ते हैं, आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं, मैं सारी कौम को ये कहता हूँ कि आपने अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलना है। जानवरों और भेड़ बकरियों में ये फ़र्क होता है, भेड़ बकरियाँ सारे जुल्म सह जाती हैं। इंसान, इंसान का बड़ा मकसद होता है, वो जुल्म का मुकाबला करता है, वो जहाद करता है और वो एक माशरे को ज़िंदा कर देता है। हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए एक चीज़ सामने आ गई कि जो राय हक है उसके लिए अगर आपकी जान भी चली जाए आप अपने माशरे को ज़िंदा कर देते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो करबला की सोच से सारा वक्त मुसलमान रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में रहता है, अपने आप को फिर से खड़ा करता है कि मैंने राय हक पे खड़ा होना है। ये सीधी सीधी जंग है चोरों की और राय हक की, और इसके लिए मैं फिर से कौम को अपील करता हूँ, मैं हूँ या ना हूँ, आपने इस जंग, इस जहाद से हटना नहीं है, क्योंकि अगर आप हट गए तो ये सारा पाकिस्तान का मतलब ख़त्म हो गया, फिर ये बहुत बड़ा धोखा था पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।